अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे। हम बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ वकार मेरे साथ मौजूद है। आज कुछ डिजर्ट के हवाले से कुछ रेसिपीज जो आप लोग हमसे मतलब डेली की फरमाइश होती है कि सर एगलेस डिजर्ट कैसे बनेगा, क्योंकि कुछ लोगों को अंडे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस हवाले से वकार भाई हमें बनाना कुछ सिखाएंगे, कुछ स्पेशल तिरामिसू केक है और कुछ जूसेस हमारे पास मौजूद है उसके हवाले से। जी वकार भाई, क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ओके होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम कुछ डिजर्ट्स बनाना सिखाएंगे, जैसे कि मूसेस बनाएंगे जो एगलेस होंगे। बिकॉज बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो हमें ये फरमाइश करते हैं कि हमें एगलेस मूसेस बनाना सिखाएं या कोई ऐसे केक बनाना सिखाएं जो उनके बगैर विदाउट ओवन जो है हम बना सकें। तो इसी हवाले से हमने आज ट्रामिसू केक रखा है इस मेन्यू में, और उसके अलावा कुछ मूसेस डिजर्ट्स रखे हैं। तो जो एगलेस हैं और बगैर ओवन के बनाएंगे ट्रामिसू केक। ट्रामिसू केक के लिए हमें चाहिए होगा 400 ग्राम चीज, 200 ग्राम आइसिंग शुगर, 200 ग्राम जो है हमारे को कुछ चाहिए होगी लिक्विड व्हिपी व्हिप क्रीम। हमने व्हिप करने के बगैर जो है विदाउट व्हिपी व्हिप हमने यूज करनी है इस ट्रामिसू केक में। उसके अलावा जो व्हिप की हुई है 300 ग्राम ये व्हिप क्रीम ये हमें चाहिए होगी, और 40 ग्राम जो है हमें चाहिए होगी जिलेटिन। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमने चॉकलेट स्पॉन्ज लेना है, चॉकलेट स्पॉन्ज लेना है जो हम नॉर्मली चॉकलेट स्पॉन्ज यूज करते हैं, उसकी कटिंग करनी है। और उसको हमने केक बोर्ड पे भी रख सकते हैं, अगर आपके पास राउंड मोल्ड है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, अगर चीज केक वाला मोल्ड है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले चॉकलेट स्पॉन्ज लेना है, आप इसको साथ रोल के साथ थोड़ा साइडिंग इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसको प्रॉपर प्रेस करना है हम लोगों ने, लाइक ये जो हमारा मोल्ड है ना इस मोल्ड के अंदर, ताकि जब हम इसके अंदर मिक्सर डालें तो ये मिक्सर बाहर ना आए। इसको जो बेल रहे हैं, इसको बेलने का मकसद ये है जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये मिक्सर इससे बाहर ना आए। ये हमारा स्पॉन्ज है प्रेस हो गया है, अब हम इसको मोल्ड के अंदर रखेंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसके अंदर कॉफी सिरप जो है उसकी सोकिंग करेंगे। कॉफी सिरप लाइक कॉफी को मेल्ट करते हैं और थोड़ा सा उसके अंदर आइसिंग शुगर ताकि वो बहुत ज्यादा कर्दी ना हो जाए। तो हमने जो 400 ग्राम हमारे पास चीज थी तो हमने इसको लिक्विड क्रीम इसके अंदर ऐड करनी है, और चीज के अंदर व्हिपी व्हिप क्रीम ऐड की है हमने इसके अंदर, और चीज हमारे पास ये अनसॉल्टेड है। अब हमने आइसिंग शुगर जो है इसके अंदर ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसके अंदर व्हिप क्रीम जो हमारे पास व्हिप की हुई है 300 ग्राम हम हमने इसके अंदर ये ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, आपकी क्रीम बहुत ज्यादा व्हिप ना हो, ठीक है, नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि जब डेजर्ट वगैरह कोई भी बनाते हैं तो उसके लिए हमें बिल्कुल नॉर्मल क्रीम चाहिए होती है। अच्छा, हमारे पास जो जेलेटिन है इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी डालना है और 30 सेकंड के लिए हमने इसको माइक्रोवेव रखना है। अब जो हमने जेलेटिन थी उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स जो पानी ऐड किया उसको मेल्ट किया, माइक्रोवेव में कर लें या आप स्टोव पे कर लें। तो इसको मेल्ट करने के बाद आप हमने इसको इस मिक्सचर के अंदर ऐड करना है। अच्छा, वनीला एसेंस वगैरह आप इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि जेलेटिन की जो थोड़ी सी स्टेज थी वो खत्म हो जाए, वनीला एसेंस वगैरह आप इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा मिक्सचर बना है जो हमने स्पॉन्ज रेडी करके रखा हुआ था हम इसके अंदर अभी इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा अदरवाइज हमारे पास शॉर्ट ग्लास है, शॉर्ट ग्लास के अंदर हमने ये स्पंज को बिल्कुल बाई साइज काटा कटर से, और इसको भी हम ऐसे ही लाइक जैसे हमने इसकी कोटिंग बीच में इसको डिप करेंगे और इसके बीच में इस तरीके से रखें, और ये जो मिक्सचर हमने बनाया इसके अंदर भी शॉर्ट ग्लास के अंदर कर देंगे। ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये हम ऐसे मोल्ड में डालेंगे और इसको डीप फ्रीजर में जो है 2 से 3 घंटे के लिए मिनिमम हम रखेंगे। और ये जो हमने डिजर्ट बनाया है ये नई शेफ जो हमारे इसको फिल कर रहे हैं तो इनको भी हम डीप फ्रीजर में रखेंगे मिनिमम 1 आवर के लिए ना, तो 1 आवर के बाद हम इसको निकालेंगे और इसकी गार्निश करेंगे। अब हम बनाएंगे क्रीम ब्रूली, फ्रेंच क्रीम ब्रूली, ये फ्रेंच में है। तो सबसे पहले हम इसमें इसके लिए हम यूज करेंगे 625 ग्राम जो है लिक्विड व्हिपी व्हिप क्रीम, बिल्कुल लिक्विड जो होगी लिक्विड शेप में, और उसके लिए फुल एग जो होंगे 270 ग्राम होंगे, और एग योग जो है 100 ग्राम होगा, और 25 ग्राम जो है फ्लावर होगा, और 230 ग्राम जो है आपकी शुगर होगी। सबसे पहले हमने व्हिपी व्हिप जो क्रीम है लिक्विड शेप में उसको हल्का सा वार्म करना है और उसके अंदर जो है शुगर ऐड कर देनी है। अच्छा, व्हिपी व्हिप क्रीम आप हम इसको गर्म कर रहे हैं और इसके अंदर जो दानेदार शुगर हमने डाली थी ना वो आप इतना इसको गर्म करना है कि जो दानेदार शुगर है इसके अंदर मेल्ट हो जाए, बस इतना हमें इसको गर्म करना है। फिर उसके बाद जो बाकी चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे
और इसको हम बेक करेंगे ओवन के अंदर, वो तरीका काम मैं अभी आपको बताएंगे। ये फुल एग इसके अंदर हमने ऐड कर दिए और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। एग योल उसके बाद इसके अंदर मिक्स करना है और लास्ट में जो मैदा हमने लिया था वो इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा एक ट्रे आपने लेनी है और ट्रे के अंदर आपने पानी डालना है, ठीक है, पानी डालना है, इतना पानी डालना है जो आपके पास जो मोल्ड जिसमें आप उसको बेक करेंगे और इसका तकरीबन आधा हिस्सा इसके अंदर डीप हो जाए लाइक इस तरीके से। ये मिक्सर हम इसमें डालेंगे, इसमें डालने के बाद 42-45 मिनट हम इसको बेक करेंगे 160 की पर मिनट पर हम इसको बेक करेंगे इंशाल्लाह। तो इतना इसमें केमिकल्स में जो हमने इसका मिक्सचर तैयार हुआ है तो उसको फिल करना है और फिल करने के बाद जो बेकिंग ट्रे के अंदर वाटर ऐड करना है बिकॉज ये स्टीम पे बैक होगी, डायरेक्टली स्टोव या ओवन पे आप बैक इसमें नहीं कर सकते। हाँ ये कि आप पतीले में जो लोग बैकिंग करते हैं या स्टोव पे करते हैं उनके लिए ये बहुत ईजी है और इवेंट्स वगैरह या घर में पार्टी हो या कोई गेस्ट हो तो आप ये तकरीबन के लिए बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी है बिकॉज ये फ्रेंच ब्रूली है और टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है। तो हम इसको फिल करेंगे और 160 के टेम्परेचर पे 40 मिनट के लिए बैक करने देते हैं। हम ऑरेंज जूस बना रहे हैं और विदाउट एग के, ये तकरीबन 250 ग्राम जूस है। आप कोई भी जूसेस या फ्रेश जूस या जैसे नेस्ले के होते हैं वो यूज करेंगे और 100 ग्राम इसमें दानेदार शुगर को यूज किया और इसको थोड़ा सा इतना हमने गर्म करना है लाइक बस उंगली को टच हो जाए इतना हमें इसको गर्म करना होता है। जलेबी है हमारे पास 5 ग्राम यानी कि इसको हम शॉर्ट ग्लास में भरेंगे और बेनेडिक्ट का तरीका अभी मैंने आपको बताया और इसके लिए हम विपी विप यूज करेंगे 250 ग्राम, बहुत ज्यादा विप नहीं करना हमें इसको। हाँ शोटे इसको राइस करेंगे हम लोग थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं और उसके बाद फिर इसके अंदर जेलेटिन ऐड करेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे फिर इसके अंदर हम आपने रेडी किया था जो हमने चूल्हे पे पकाया था उसके अंदर हमने 5-5 ग्राम जेलेटिन डाल दी। सबका प्रोसेस सेम है, जो आप जूस यूज करेंगे उसका प्रोसेस सेम होगा, फ्रेश जूस यूज करें या जो नेस्ले का जूस वगैरह था। तो अब इसके अंदर हम लोग तकरीबन 250 ग्राम क्रीम यूज करेंगे और इसको मिक्स करके ये शॉर्ट ग्लास हमारे पास मौजूद है इसको हम फिल करेंगे और ये शॉर्ट ग्लास में हम भर देंगे इसको। अच्छा थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करेंगे हम बिल्कुल हल्का सा ताकि लाइक ये मैंगो दिखे, क्योंकि मैंगो जूस यूज किया था हमने वो फॉरवर्ड आते हैं इसको। अच्छा इसमें हम फॉर्क में ऑरेंज कलर यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमने ऑरेंज जूस डाला था, ये हमारे पास मैंगो है और ये हमारे पास गावा, तीन फ्लेवर थे जो हमने जूस यूज किए थे तो ये दूसरा मार्शल रेडी हो गया, तीसरा हमारे पास गावा है और हम इसमें शॉर्ट ग्लास को भर के इसको बेक करेंगे माइक्रो ठंडा करेंगे इसको फ्रिज में रखेंगे। ये हमारे नए शेफ जो है इनको फिल कर रहे हैं मूसिस को, जितने हमने मूस बनाया है इनको, ये क्रिस्टल बॉल जो है ये प्लास्टिक के बॉल है इसमें बेक होस्ट में हमारे यहाँ अवेलेबल है तो इसमें हम फिल करेंगे तो इनको बाद में रेफ्रिजरेटर में रख के थोड़ा चिल करेंगे, ठंडा करने के बाद फिर इसके ऊपर जो है कवर करेंगे इसकी गार्निश करेंगे। अच्छा टेरामिसू केक हम लेकर आ गए और जम गया, हम इसके ऊपर कोको पाउडर डस्ट कर दें और इसके साइड में ना ये बिस्किट हम यूज करेंगे, लेडी फिंगर कहलाते हैं ये मार्केट से आपको मिल जाएंगे और ये हमने थोड़ा सा साइज को छोटा किया हुआ और ये चारों तरफ साइड से हमने उसको लगा देना है। ये मूसेस वगैरह जो हमारे जम गए तो अब इनका समझ लें कि एक फाइनल इसको हम टच दे रहे हैं लाइक इसकी गार्निश वगैरह, ये देखेंगे ये ऑरेंज वगैरह काट के कुछ फ्रेश फ्रूट भी हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे और ये शेफ जो सॉस यूज करेंगे फॉक के सॉस है हमारे पास, कोई भी फॉक का सॉस आप मतलब यूज कर सकते हैं, इसी उसमें कैरेमल है हमारे पास और अदरवाइज स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। तो अब ये गार्निश आपके अपने हाथ में, आप इसको कितना अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, लाइक हमने इसके ऊपर ऑरेंज लगा दिया, इन्होंने क्या किया कि चॉकलेट सॉस डाल दी, अब इसके ऊपर मैं थोड़ी और चॉकलेट की गार्निशिंग वगैरह कर दूंगा।
ये हमारी रेमिकल जो हम क्रीम ब्रूली फ्रेंच क्रीम ब्रूली बनाई थी ये हमारी अब परफेक्ट हो गई है, बेक हो चुकी है 45 मिनट के बाद। तो अब हम इसके ऊपर ब्राउन शुगर डालेंगे। ब्राउन शुगर डालने के बाद हम इसको लेटर के साथ इसको ब्राउन शुगर जो है इसको बिल्कुल ड्राई कर देंगे। लेटर के साथ इसका कलर चेंज होगा, स्मूथ हो जाएगी। सर बात हमारी रेडी है माशाल्लाह, बूजीज आप लोगों के सामने बनाए हम लोगों ने, क्रीम ब्रूली है और ये केक आप लोगों के सामने शेफ हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, बहुत अच्छा इनके साथ आज हमारा ये दिन गुजरा। और आप लोगों ने मजीद क्या सीखना है लोगों को बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो पेज है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शेफ आपका बहुत शुक्रिया। ओके फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।